हरियाणा में बीएसपी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और रेवाड़ी से प्रीतम जांगड़ा को टिकट दिया गया है। जांगड़ा का कहना है कि बीजेपी रोजगार का वादा पूरा नहीं कर पाई है, अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। और साथ ही R9 टीवी से प्रीतम जांगड़ा ने खास बातचीत की है। प्रदेश में चुनाव का माहौल है, उस चुनाव को माहौल को देखते हुए R9 की टीम रेवाड़ी पहुंची है। रेवाड़ी में हम पहुंचे हैं बसपा के उम्मीदवार प्रीतम जांगड़ा जी के पास। तो प्रीतम जांगड़ा जी से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतर रहे हैं। तो सबसे पहले जांगड़ा जी, स्वागत है आपका R9 टीवी में। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आप ऐसे कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मेन मुद्दे रखे थे कि हम यहाँ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार की जो बात कर रहे थे, हरियाणा में हर साल 2 लाख रोज नौकरियों की बात कर रहे थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की बजाय रोजगार खोजने का काम किया है। हमारा सबसे मेन मकसद होगा कि हम युवाओं को रोजगार दें और रोजगार से ही देश का विकास हो सकता है, इस देश की गुंडागर्दी बच सकती है, हमारे युवा को रोजगार मिल सके। तो रोजगार पैदा करने के लिए आपकी क्या ऐसी रणनीति है कि आप एक साल के अंदर ये 2 लाख से, अभी आपने बात की, 2 लाख से अधिक रोजगार पैदा करें, कैसे? जैसे कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी, नेताजी ने, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार थी तो एक मुश्त 18 लाख नौकरी बहन जी ने एक मुश्त, जो हमारा बैकलॉग हरियाणा के अंदर जो खाली पड़ा हुआ है, जो दलित पिछड़ों का बैकलॉग खाली है, हम उसको भरने का काम करेंगे। और हमारे रेवाड़ी क्षेत्र की हम बात करें तो रेवाड़ी के अंदर हमारी जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितने उद्योग धंधा है, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके की हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। अगर बात करें ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में तो आपको क्या लगता है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहते हैं, किसकी तरफ हवा चल रही है? ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर आज जो है मुकाबला जो होगा तो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का होगा, अन्यथा कोई मैदान में नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 90 सीटों के ऊपर अपनी मजबूती से काम कर रही है, ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है। जी हाँ, जैसा देखा आपने, नेताजी का कहना है कि अगर हवा की बात करें तो हवा जो चल रही है वो बीएसपी और बीजेपी की चल रही है, दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी। और जो जॉब का सबसे बड़ा इशू होता है युवाओं को लेकर, नौकरी का, वो नौकरी पैदा करने का काम लेकर इस मुद्दे को लेकर चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ R9 टीवी।